कैसे आया? जरूर बताएं सर, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कॉन्फिडेंस के बारे में बात की है, अगर आपका सपना सच करना है ना तो बस मेहनत करते जाइए, और जब मेहनत करते जाएंगे ना तो जो नॉलेज आपके अंदर आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और उस सच को प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब था सर। यस, और कोई पूछना चाहेगा? पूछिए। सर, आपने ये मतलब आपकी ये पढ़ाई करना कहाँ से शुरू करा? हाँ जी जी, ये जो पढ़ाई था, प्राइमरी से हम ठीक ठाक पढ़ा करते थे, प्राइमरी स्कूल से ठीक ठाक पढ़ने लिखना गया था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े किए थे, और जैसे हम मिडिल स्कूल में गए थे तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे गांव के कुछ टीचर्स हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक थे स्वर्गीय श्री नौड़े सर जी, जो हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं। वो अगर अभी होते तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते। और एक और सर के मैं नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय श्री मदन मोहन शुक्ला जी, जो आप सबने देखा होगा, जो कि निःशक्त थे थोड़े। वो मुझे क्या करा करते थे, जब मैं छठवीं सातवीं क्लास में गया था तो खुद जो है बोर्ड में लिखवाते थे। बोर्ड में लिखवाने से क्या हुआ, उसमें हैंड राइटिंग तो सुधरा है, यहाँ तक कि जो टीचर्स को जो गुण होते हैं ना वो अपने आप में आ चुके थे। इसलिए मैं फिर से आदरणीय श्री मदन मोहन शुक्ला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी जी, हाँ, आपके क्लास में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं बस उनको आप गहराई से, शांत स्वभाव से, बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यही विषय होते हैं जो आपको आगे जाके अपने लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। हाँ जी जी, अवश्य। बचपन से सपना देख रहे हो, तो आपने कौन से एज में वो डिसाइड किया था? हाँ जी, तो आप बोल रहे थे कि आपने बचपन से चालू किया था, तो आपने कौन से एज से चालू किया था और आपका मेन मोटो क्या था उसमें? अच्छा, हाँ। मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था, 9th-10th में, तो गाँव में एक तो जब वो डीटीएच वाले टीवी हुआ करते थे, अभी भी है, तो डीटीएच में मैं कभी ना कभी केबीसी जैसा कोई प्रोग्राम देखा था, जो कि सीरियल जैसा नॉर्मली देख लेते थे। लेकिन जब आगे हम गए, 12th पास हुआ, पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन पास किया, फिर मुझे लाइफ के बारे में पता चला कि नहीं, जब पेरेंट्स इतना मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं और अपने लिए वो लोग इतना संघर्ष करते हैं कि कुल मिला के पढ़ाई में कुल मिला कुछ समझौता नहीं किया उन्होंने। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि हम गरीब परिवार से है या अपने पास पैसे नहीं है इसलिए कॉलेज करने मत जाओ, ऐसा उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने बराबर सपोर्ट किया और मैं पढ़ाई करता गया, और यहाँ तक कि उस समय मैंने सोचा कि नहीं, अब इतना संघर्ष भरा जीवन है, हमें कुछ अलग करना चाहिए। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपन तो 2017 से करना शुरू कर दिए थे, फिर हमने सोचा नहीं चलो केबीसी के लिए भी ट्राई करते, यहाँ जाने से जो मान सम्मान मिलेगा, जो नॉलेज से धनराशि जीतेंगे, यहाँ तक कि जो जो मंच पर बैठेंगे उसमें लोग जानेंगे, और हम जब व्हाट्सएप पर जाएंगे तो कई लोग प्रेरित होंगे, स्टूडेंट प्रेरित होंगे। ये सब मैंने सोचा और व्हाट्सएप पर किया, और ये मैं आपके सामने बैठा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद। आपने कहा कि आपके गुरु जो अब नहीं रहे, पर मैं एक गुरु होने की, एक शिक्षक होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो आज आपको वहाँ से देखे होंगे तो वो भी बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हर टीचर अपने बच्चों की ऊंचाइयाँ देख के बहुत खुश होता है। परिवार आपको आभार के लिए एक स्मृति चिन्ह उपहार में देना चाहता है, भेंट करना चाहता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैडम, डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल मैम, निलय सर, स्मृति चिन्ह
में हमारा स्नेह आशीर्वाद और भविष्य की आपकी।